Hi everyone, this is Aishi Jain and welcome back to my channel. I hope that you all are safe and are staying at home. और अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो प्लीज़ आप मास्क पहन के और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए और उनको अप्लाई करते हुए बाहर जाए. सिंस वी ऑल आर बैक टू स्क्वायर वन और हम सब वही सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हम एक साल पहले कर रहे थे. और मेरे घर में लास्ट ईयर हमने खूब सारी नई नई डिशेज बनाई थी एंड वी बैक एट इट. नहीं और इंटरेस्टिंग एंड इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि होंगी सात्विक. और जिनको सात्विक का मतलब नहीं पता, इसका मतलब होता है जैन फूड. उसमें लहसुन प्याज और आलू नहीं होता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक चिली खीरा टोस्ट. बेसिकली तो ये चिली जुकीनी टोस्ट है जो कि संजीव कपूर की रेसिपी है, बट इसमें मैंने थोड़ा सा जुगाड़ किया है और उसे थोड़ा सात्विक बना दिया. सो नाउ लेट्स गेट टू द कुकिंग. चिली खीरा टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चा केला या आलू, खीरा या खीरे की जगह आप घिया या लौकी भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो भी आप वेजिटेबल हैं उसका टेस्ट ब्लैंड हो. चॉप्ड ग्रीन चिलीज, पनीर, ब्रेड, ब्रेड क्रम्स, मैदा. कच्चे केलों को आप उबालने के लिए रख सकते हैं एंड इन द मीन टाइम यू कैन ग्रेट द क्यूकम्बर. क्यूकम्बर का जो भी एक्सेस पानी है उसको ड्रेन कर लीजिए. एक कढ़ाई लें, उसमें 2 टेबलस्पून घी डालें, ऐड सम हींग एंड सम क्यूकम्बर. ऐड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और इसको थोड़ा पकने दीजिए. आफ्टर सम टाइम इसमें मैदा डालें एंड मेक श्योर कि जब आप मैदा डालें तो उसको प्रॉपर टाइम दें कुक होने के लिए, ताकि मैदे का कच्चा टेस्ट आपके उस मिक्सचर में फिर नहीं आए. इस मिक्सचर को एक बोल में खाली कर लीजिए एंड ऐड सम पनीर, 2 टेबलस्पून ऑफ ब्रेड क्रम्स, सम ग्रीन चिलीज एंड मैश करा हुआ कच्चा केला. इसमें आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं इफ यू वॉन्टेड टू बी मोर स्पाइसी. मिक्स इट ऑल टुगेदर. उसके बाद हमें ब्रेड को डिस्क फॉर्म में कट करना है, जो कि हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कटोरी. इसके बाद एक पैन में ब्रेड को दोनों तरफ से टोस्ट कर लें. आफ्टर दैट इस डिस्क पे हमें हमारा मिक्सचर इवनली स्प्रेड करना है. स्प्रिंकल सम रिफाइंड फ्लावर ऑन टॉप ऑफ इट. इसके बाद एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालिए एंड शैलो फ्राई द टोस्ट अपसाइड डाउन. एंड टाडा, इट्स रेडी टू ईट.